Yes, good morning student. Start your math period. Okay. कल हमने पेज नंबर 11 डन किया था. ओके बेटा, कल हमने पेज नंबर कौन सा डन किया था? 11. ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा 12. आज हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 कंप्लीट करेंगे. ओके कल भी एडिशन थे, ये भी एडिशन है. इसमें बताया गया है एडिंग वन. ठीक है, मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो वर्क दिया जाता है ना, बुक वर्क, वो ही करवाए एक बार. अगर आपका बच्चा आगे चल रहा है, मतलब अच्छा है, इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बच्चे को 3-in-1 में करवाओ. ठीक है, आप 3-in-1 में जितना मर्जी इसको आगे करवाते रहो, आई हैव नो प्रॉब्लम. बट बुक वर्क जितना दिया जाता है उतना ही आप करवाओ, ताकि हमें चेक करने में प्रॉब्लम ना हो. ओके, और बच्चे सभी साथ चल सके, हमें साथ लेके चलना है सभी को. ओके, भागना नहीं है, छोटे बच्चे हैं, साथ लेके चलेंगे तभी हमारा काम प्रॉपर होगा. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, कोऑपरेट करें थोड़ा सा हमारे साथ. ओके, ये देखो बच्चों, व्हेन वी ऐड वन टू ए नंबर वी गेट द नंबर जस्ट आफ्टर इट. इसने कहा है जब हम कोई भी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें तुरंत क्या मिलता है? आफ्टर नंबर. जैसे 3 के बाद क्या आता है? 4. ये देखो बच्चों, 3, ठीक है, प्लस 1, हमने 1 प्लस किया तो 3 के बाद क्या आता है? 4, जस्ट 4 आ जाएगा आंसर इसका. ओके, ठीक है, कोई भी नंबर में आप अगर प्लस 1 प्लस करते हो तो जो भी नंबर होता है उसके जस्ट आफ्टर नंबर, जो भी आफ्टर नंबर आता है, जैसे 4 प्लस 1 5, ठीक है, 4 के बाद 5 आता है. इसी प्रकार 6 प्लस 1 तो 7 आ जाएगा. ओके, समझ गए सभी को? आ गई समझ में? तो इसी प्रकार ये आपको 1 ऐड करने हैं. ठीक है, ऐड 1 एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स. ठीक है, इनमें सभी में आपको कौन से 7 प्लस 1, इस सब में देखो 1 है, 1 ऐड करने हैं. ठीक है, इसमें सोल्व किया हुआ है, 7 प्लस 1 इजिकल टू 8. ठीक है, 5 प्लस 1 इजिकल टू 5 आफ्टर 6 ना 6. ठीक है, ये सम आप सब खुद करोगे. ओके, अपने आप करने हैं आपको ये सम. ठीक है, 3 प्लस 1. ओके, नेक्स्ट है 2 प्लस 1, 9 प्लस 1. ठीक है, 4 प्लस 1, ये आप अपने आप करोगे. ओके, बिल्कुल इजी काम है आपका. ठीक है, एडिंग 0. अब 0 जब हम किसी के साथ ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड 0 टू ए नंबर वी गेट द सेम नंबर. हम किसी भी नंबर के साथ अगर 0 नंबर ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है. ठीक है, जैसे आपके पास 10 रुपीज है या 4 रुपीज है और आपके मम्मा ने आपको कुछ भी नहीं दिया. ठीक है, या 0 पैसे और दिए दिए, 0 की कोई वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे, तो आपके पास उतने ही रहेंगे. ठीक है, जितने पैसे पहले थे. इसी प्रकार जैसे 4 प्लस 0 है ना, तो इसमें हमने 0 प्लस किया तो क्या आएगा हमारे पास? सेम ही नंबर आ जाएगा 4. ठीक है, 4 आ जाएगा. इसी प्रकार 10 प्लस 0 हो तो 10 ही आएगा, 8 प्लस 0 हो तो 8 ही आएगा. ओके बेटा, ये सम है, आप ये अपने आप सोल्व करोगे. मैंने समझा दिया, किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में हम 0 प्लस करते हैं तो सेम नंबर आता है. 7 में हमने 0 प्लस किया तो सेम नंबर आ गया 7. 4 में 4 प्लस 0 हमने 0 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे भी 4 आ जाएगा. ठीक है, ये सम आप अपने आप करोगे. ओके बेटा, ये देखो, ये सम, ये 1 पेज ही आपको कंप्लीट करना है, राइटिंग सुंदर करनी है. ठीक है, राइट नीट एंड क्लीन. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस.